गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेरी वेरी फाइन। सो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू रिज्यूम आवर चैप्टर 14, यस, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट? सो गाइस, आज हमारा जो टॉपिक है इस वीडियो में वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है एक्चुअली होती क्या है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एक्चुअली आप भी अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं घर में, रियली। उसके लिए क्या करना होगा? देखिए क्या करना होगा। ये जो हमारी एक्टिविटी है ना, एक्टिविटी 3, उसमें यही बताया गया कि आप घर में इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बना सकते हैं। तो ज़रा पहले ये देख लें इलेक्ट्रोमैग्नेट है क्या, फिर मैं आपको बताती हूँ आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज़ बीन यूज्ड इन मेकिंग पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। फॉर दिस वायर इज रैप्ड अराउंड एन आयरन रॉड कोल्ड कोर। मैनी टर्न्स एंड इलेक्ट्रिक करंट इज सप्लाई टू द वायर। एज लॉन्ग एज द करंट इज सप्लाइड द आयरन रॉड बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। मोर नंबर ऑफ टर्न्स, मोर पावरफुल मैग्नेट, यू कैन मेक योर ओन इलेक्ट्रोमैग्नेट। येस गाइज, आपको लेना क्या है? आपको लेनी है एक लोहे की रोड, उसके ऊपर एक कॉपर की वायर को लपेट देना है, ठीक है, और एक सेल के साथ या बैटरी के साथ कनेक्ट करना है। जब कॉन्टीन्यूसली उसमें करंट फ्लो करेगा उस कॉपर वायर में, तो वही जो आपकी लोहे की रॉड है वो बन जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि वहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। हमने पढ़ा था ना लास्ट क्लास में कि जहाँ भी करंट होता है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और हमने ये भी पढ़ा था कि जो स्ट्रेट वायर होती है उसकी बजाय अगर टर्न्स होते हैं वायर में, इसे हम सॉलिनॉइड भी कहते हैं, जैसे गोल गोल हम घुमा देते हैं ना, ये देखो स्प्रिंग की तरह हम इस तरह से वायर को ये फॉर्म दे देते हैं, तो उसमें और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है ज़्यादा, और ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनती है। हीटिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होता है इसमें, और मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत स्ट्रांग बनती है इस तरीके से, ठीक है? तो यही तो काम किया है हमने यहाँ पर। और किया क्या है देखिए, इस एक्टिविटी में, ये जो एक्टिविटी 3 है, यहाँ पर हमने यही किया। एक लिया है आयरन नेल, क्या लिया है? आयरन नेल। उसके साथ हमने ये कॉपर वायर जो है इसे लपेट कर, इसके दो एंड्स हैं, इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया है बैटरी से, ठीक है? अब करंट फ्लो करा, अब जो कॉन्टीन्यूसली करंट फ्लो करेगा ना, आप इसके पास एक कोई भी एक सेफ्टी पिन या कुछ ले जाइए, आप देखेंगे वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगी, जो ये प्रूफ कर रहा है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन चुकी है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों कह रहे हैं इसे? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से बनी है मैग्नेट, ठीक है? और जब आप करंट फ्लो करना बंद कर दोगे, स्विच ऑफ कर दोगे, तो थोड़े टाइम बाद ये धीरे धीरे मैग्नेटिज्म इसका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? तो यही जो इसकी क्वालिटी होती है, इसको हम यूज़ करते हैं बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं हम एक बड़ी डिवाइसेस हैं जिनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशंस हैं हमारी लाइफ में। अब हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि हम ये जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेट का कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है? चलो लेट गेट स्टार्टेड। तो ये है हमारे यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, सो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज इन मेडिसिंस, टॉयज, आयरन इंडस्ट्रीज एंड मोस्ट कॉमनली इन द इलेक्ट्रिक बेल। येस, जो घर में हम वो बेल यूज़ करते हैं ना, वो वाली इलेक्ट्रिक बेल। क्रेन्स आर यूज फॉर लिफ्टिंग मटीरियल्स, सेपरेटिंग आयरन फ्रॉम स्क्रैप इन इंडस्ट्रीज एंड टू लिफ्ट कार्स। दीज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द एडवांस्ड हाई स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेट। यस, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं? मेडिसिंस बनाने में भी। आपको पता है कैसे? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ होता है मेडिसिंस को बनाने के लिए भी, टॉयज़ को बनाने के लिए भी, आयरन इंडस्ट्रीज में भी, और मोस्ट कॉमनली इलेक्ट्रिक बेल बनाने में भी। एक्चुअली बेटा, आपने MIR, CT स्कैन ये सब सुना होगा, है ना? तो दे आर नथिंग बट वॉट, ये क्या है, ये क्या है पता आपको? ये क्या है बेटा? ये है इलेक्ट्रोमैग्नेट पे काम करने वाले
test, right? MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, इसमें मैग्नेटिज्म का यूज़ होता है। सिटी स्कैन में भी ब्रेन का एक्सरे होता है एक तरह से ही, इसमें भी मैग्नेटिज्म का स्ट्रॉन्ग यूज़ होता है, तभी आपकी जो पूरा अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसकी इमेज आ जाती है। अगर आपकी आपने कभी बड़ों के मुंह से ऐसा सुना हो किसी का MRI हो या सिटी स्कैन हुआ हो घर में, तो आपको वहाँ ATMs ले जाना या लोहे की कोई चीज़ कॉइन्स या पेन वगैरह सब निकाल लेते हैं, क्योंकि वहाँ मैग्नेट होती है और मैग्नेट के कारण फिर जो ये आयरन की डिवाइसेस होती हैं तो उनके कारण वो जो एक्सरे रिपोर्ट्स होती हैं MRI बनाने में, सिटी स्कैन रिपोर्ट्स बनाने में मतलब वो आती नहीं है, रिपोर्ट बन नहीं पाती, तो इसलिए वो चीज़ें जो हैं वो निकाल ली जाती हैं। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का आपको पता लग गया कैसे मेडिसिन में यूज़ होता है। टॉयज़, कई टॉयज़ होते हैं, आपने देखा होगा टॉयज़ जो होते हैं जो उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का यूज़ होता है, वो अपने आप मूव कर रहे होते हैं, है ना, तो वो सब कॉन्सेप्ट या रोबोट्स वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट के ज़रिए ये सब हो रहा होता है। टॉयज़, आयरन इंडस्ट्रीज़ में जो लोहे की इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ होता है। इलेक्ट्रिक बेल में कैसे होता है, यहाँ हम पूरा वर्किंग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक बेल की। क्रेन्स आर यूज फॉर लिफ्टिंग मटेरियल, ये देख रहे हो क्रेन, आपने देखा होगा कई बार, है ना, जब गाड़ियाँ इधर उधर पार्क कर दी जाती हैं तो यही क्रेन्स का यूज़ किया जाता है, उन गाड़ियों को उठा के ले जाते हैं वो, और ये देख रहे हो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है कि ये जब किसी कार के साथ टच हो जाए तो उसको चिपका लेते हैं, उसको उठा लेते हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है ये। ठीक है, तो क्रेन्स का यूज़ किया जाता है मटेरियल लिफ्ट करने में, आयरन को कूड़े में से हटाने के लिए और कार्स को उठाने के लिए। तो ये जो वर्क होता है ये एडवांस्ड हाई स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेट के प्रिंसिपल पर काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रेन्स में भी, जिन्हें मैग्लिव्स कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेट के कॉन्सेप्ट पे चलने वाली ट्रेन्स होती हैं मैग्लिव्स, राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रेन्स होती हैं ये। ये जो ट्रेन्स होती हैं ये कैसे सपोर्ट, किससे सपोर्टेड होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन से या रिपल्शन से। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में, आप सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे बच्चा। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक बेल के बारे में। तो बेटा ये वही इलेक्ट्रिक बेल है जो आपके घरों में टिंग टोंग करके बजती है या मंत्र का उच्चारण होता है, राइट, कुछ भी, तो वो इलेक्ट्रिक बेल ये इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। पहले वो ट्रिंग ट्रिंग वाली बेल हुआ करती थी ना, उसको इमेजिन कर लीजिए, ये समझ आ जाएगा इजीली। एन इलेक्ट्रिक बेल इज़ बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक बेल भी मैग्नेटिक इफेक्ट जो है उसी के ऊपर बेस्ड है। इट कंसिस्ट ऑफ एन आयरन कोर, क्या होता है, इसमें एक आयरन कोर होता है जिस पर वायर लिपटी होती है, जैसे वो मैंने आयरन नेल के ऊपर वो एक्टिविटी कराई थी ना जिसके ऊपर वायर लिपटी हुई थी, बिल्कुल वैसे ही लिपटी हुई होती है। वन एंड ऑफ द कॉयल इज कनेक्टेड टू वन टर्मिनल ऑफ अ बैटरी, जो एक एंड होता है ना कॉयल का वो बैटरी के एक टर्मिनल से, दो टर्मिनल होते हैं ना बताया था आपको, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल, है ना, तो दो दो जो एक एंड होता है कॉयल का वो एक टर्मिनल से बैटरी के कनेक्टेड होता है, और जो दूसरा वाला होता है वो एक स्टील रॉड होती है जो कि स्प्रिंग की तरह काम करती है हैमर के लिए, जो टच कर रहा होता है स्क्रू को। दोबारा समझिएगा इसको, यहाँ देखिए, यहाँ देख रहे हैं, ये है वो बेल। ठीक है बेटा, तो ये वो आयरन रॉड है जिसके ऊपर वो वायर लिपटी हुई हुई है। ठीक है, तो जैसे आप स्विच ऑन करते हैं ना बेटा, तो सर्किट क्लोज हो जाता है, सर्किट क्लोज होने से करंट फ्लो करता है, स्ट्रॉन्ग करंट यहाँ फ्लो करता है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बन जाता है, और वो होने के कारण आप ये देख रहे हो, अगर आप इसे देखो, ये जो है एक तरफ तो इससे कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है सेल का उससे, और दूसरी तरफ ये रोड कनेक्टेड किससे है, ये देख रहे हो, ये जो हैमर है इससे। ठीक है, तो जैसे यहाँ से सर्किट क्लोज हुआ, करंट बना, मैग्नेटिक फील्ड बनी, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आ जाता है इसमें, और ये यहाँ पर एक आयरन की जो कॉन्ग होती है ना वो पड़ी हुई है, जैसे वो टिंग वो सबाइसाइकिल पे पहले वो घंटी सी लगी होती है ना टिंग ट्रिंग 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 वाली, वैसे गोल गोल सी टोंग है यहाँ पर, ये जो गोंग ऑफ द बेल है इस से इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है हैमर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आने के कारण, क्योंकि ये भी आयरन की है, तो फिर वो ट्रिंग ट्रिंग बार बार बजती है,
तो इसी से जो है इलेक्ट्रिक बेल जो है वो वर्क करती है। तो अदर टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द कॉन्टैक्ट स्क्रू विद द स्विच इन द मिडल। तो यही बताया है इसमें। अब वर्किंग कैसे इलेक्ट्रिक बेल की, जैसे मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है कॉयल से जब स्विच ऑन होता है, फिर जो आयरन कोर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करती है। आयरन कोर उस हैमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जो आयरन कोर है करंट प्रोड्यूस होने के कारण मैग्नेटिज्म बनता है और वो अट्रैक्ट करती है हैमर को इस गोंग की तरफ। जो हैमर होता है वो हिट करता है गोंग को बेल के और साउंड प्रोड्यूस करता है। सर्किट ब्रेक हो जाता है एट द कॉन्टैक्ट स्क्रू। जैसे ही इसे कॉन्टैक्ट करता है सर्किट ब्रेक हो जाता है और वो जो है हैमर को आयरन कोर की तरफ मूव करने देती है। इस पॉइंट पे आयरन कोर जो है उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाता है। तो जो हैमर है वो दोबारा से पुल बैक होता है ओरिजिनल पोजिशन पे। स्प्रिंग जो है यहाँ पे लगा हुआ उसके कारण, एंड देन वो टच करता है जो कॉन्टैक्ट स्क्रू है उसे दोबारा सर्किट कंप्लीट करने के लिए। द सर्किट इज़ कंप्लीटेड एंड करंट फ्लोज थ्रू द कॉयल अगेन। अब सर्किट फिर कंप्लीट हो जाता है और करंट फिर दोबारा कॉयल में फ्लो करता है। एंड द हैमर स्ट्राइक्स द बेल अगेन, और हैमर दोबारा से बेल को स्ट्राइक करता है। द प्रोसेस ऑफ रिपीट्स इटसेल्फ एंड द रिंगिंग साउंड इज हर्ड सिंस द हैमर कीप्स हिटिंग द बेल अंटिल द स्विच इज रिलीज। और ये जो प्रोसेस है ये अपने आप को रिपीट करती रहती है और जो रिंगिंग साउंड है वो सुनाई देती रहती है, क्योंकि जो हैमर है वो बार बार बेल को हिट करता है जब तक कि स्विच उसको रिलीज़ नहीं कर दिया जाता। ठीक है बेटा, तो ये इसकी वर्किंग है इलेक्ट्रिक बेल की। आई होप आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हुआ तो पूछ लीजिएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड आर चैप्टर हैज़ बीन कम्प्लीटेड नाउ। सो जैसे मैंने कहा कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा आप। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ न्यू चैप्टर के। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी।